हेलो फ्रेंड, ये 15 एम्पियर का चार्जर है। ये ऑन हो रहा है, मैंने लाइन दे रहा हूँ। जब भी रिले ले रहा है बंद हो जा रहा है, उसके बाद देखिए टिम टिम कर रहा है पावर ऑन एलईडी। देखिए धीमा धीमा टिम टिम कर रहा है, देखिए अब फिर से जल गया, फिर से रिले ऑन हुआ ऑफ हो गया। देखिए ज्यादातर इसी कंडीशन में यहाँ पर पीएफ का गड़बड़ होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। टेन वोल्ट या पर 12 वोल्ट तो ठीक बन रहा है। देखिए 4.9 वोल्ट बन रहा है यहाँ पर, जहाँ 10 वोल्ट बनना चाहिए। तो पहले उसको देखते हैं। यहाँ पर 1 के रेजिस्टेंस रहता है, पहले देखते हैं वो ठीक है कि नहीं। तो कुछ दिखा नहीं रहा, 12 वोल्ट, जहाँ से 12 वोल्ट निकलता है उसका तो रीडिंग दिखा रहा है, इसमें कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। इसमें कुछ रीडिंग नहीं दिखा रहा है, डायोड को देख लेता हूँ। डायोड 447 दिखा रहा है, डायोड ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो खराब है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ठीक है। तो वहां पर एक रेजिस्टेंस पहले लगा कर देखता हूँ। रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया। बहुत कमेंट आते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट जो रेगुलेटर आईसी है यहाँ पर वोल्टेज कम आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये वोल्टेज कम आने का कारण ये जो 3525 आईसी ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। इससे जो आउटपुट वोल्टेज वो ठीक से नहीं निकल रहा है, ये ठीक से ऑन नहीं होंगे तो यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना। इस आईसी जब तक ठीक से ऑन नहीं होगा यहाँ पर वोल्टेज ठीक से नहीं बनेगा। यहाँ पर कोई भी डायोड 78 बड़ा ये शॉर्ट हुआ तब भी कम रहेगा वोल्टेज, तो ज्यादातर यह से ही फॉल्ट आता है। ये आईसी ठीक से ऑन नहीं होने के कारण यहाँ पर वोल्टेज कम आता है। रेजिस्टेंस
ये 1 के रेजिस्टेंस 10 के बता रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम नया लगा रहा है। यहाँ पर वोल्टेज 10 वोल्ट कम हो जाएगा तो एम्पियर भी नहीं आएगा। कभी कभी ये फॉल्ट भी मैंने फेस किया। यहाँ पर वोल्टेज अच्छा नहीं मिलने के कारण एम्पियर सर्जर एम्पियर नहीं सुन रहा। रेजिस्टेंस तो लगा दिया, अब लाइन देकर देखता हूँ एसी भी दे दिया, रिले ले लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं देखा रहा हूँ 9 नंबर पिन में वोल्टेज 5 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज कितना दे रहा है। आईसी 4.2 वोल्ट ट्रांजिस्टर में, इस ट्रांजिस्टर कोई भी एक शॉर्ट रहा तो भी यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आईसी से नहीं आएगा। अब इसको डायरेक्ट लाइन देकर देखता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट लाइन दे दिया। देखिए दोनों एलईडी जल गया, एम्पियर देख लीजिए, एम्पियर मीटर में 15 एम्पियर का चार्जर है। ठीक है, 15 एम्पियर आ गया, परसेंटेज जलने लगा, पंखा भी चलने लगा। ठीक है दोस्तों, आज रखता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों।